यही धर्म है मोक्ष पथगामी, मध्यम मार्ग सरल, पांच अनुशीलन हैं इसके, मानव पालन कर सत्कर्मों की पूंजी बना ले, प्रेम भाव अविरल, कर्मों को अपना धर्म समझ ले, करना किसी से न छल, ऐसे ही महान विचारधारा से जुड़ जाएं। चैनल नंबर 466 यूसीएन बुद्धा पर, यूसीएन बुद्धा पर। तथागत ने दिया मानवता का संदेश, भिक्कुओं ने दिया उसका उपदेश, और उससे मिला दुख मुक्ति का मार्ग। यूसीएन बुद्धा की खास पेशकश, भदंत धम्म सारथी के शब्दों से सुनिए धम्म उपदेश। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत बुद्ध राजे छत्रपति शिवाजी महाराज, माता जिजाऊ, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू महाराज, माता रमाई, सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूँ। मेरे गुरु आर्य नागार्जुन सुरई ससाई, उनको नमन करते हुए यूसीएन बुद्धा देखने वाले सभी श्रावक संघ का अभिनंदन करते हुए मैं अपने धम्म देशना को शुरुआत करता हूँ। तो अभी का जो विषय है वो विषय है कि सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त किस तरह से हुई, संबोधि प्राप्त सिद्धार्थ गौतम ने किस तरह से किया, कौन से किस उनके जो कौन सी पद्धति थी। उन्होंने 4 हफ्ते लगातार उन्होंने संबोधि प्राप्त के लिए प्रयास किया और उसके बाद वो सफल हो गए। तो उन्होंने किस तरह से स्टेजेस स्टेज स्थिति पर उन्होंने चिंतन करके संबोधि प्राप्त की, इस बारे में, इस विषय में आपके सामने मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। तो पहले हफ्ते में उन्होंने शुरू में अपने जो अकुशल विचारों को उसने उन्होंने अपने चित्त में हटा चित्त से हटा दिए थे, जो मार सेना थी, अकुशल विचार जो उनमें कामुकता के भाव निर्माण करने वाले जो विचार थे उसको उन्होंने पूरी तरह से हटा दिया। और बाद में जो विचार थे, दूसरे विचार थे, उस विचारों के कारणों का उन्होंने कारणों पर केंद्रित किया, विचारों के कारण, यानी जो कारणों से विचार आते थे या विचारों के अंदर जो कारण होते थे उसके तरफ उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया और उसकी खोज की, यानी उसका कारणों का एनालिसिस किया कि ये कारण किस तरह से हुए और किस कारण से जो विचार निर्माण हुए उसके पीछे कौन सा कारण है, उस कारणों की उन्होंने खोज की। ने इस तरह से 7 दिन वो कारणों पर खोज करते रहे, अलग अलग विचार आए, सभी विचारों के कारणों पर उन्होंने खोज की और जो अनावश्यक विचार थे, जो अभी काम के नहीं थे इस स्थिति में, उस दशा में जो अनावश्यक विचार है, जो काम के विचार नहीं है, उस विचार को उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया। और दूसरे हफ्ते में उन्होंने जो चुने हुए विचार थे, जो अति आवश्यक थे, जो महत्वपूर्ण विचार थे, क्योंकि उन्होंने जो दूसरे विचार थे उनके कारणों की खोज निकाल कर के जो अनावश्यक विचार थे उनको उन्होंने उनको हटा दिया था चित्त से, और जो आवश्यक विचार था,
जो आवश्यक विचार था उसी विचार पर पूरे 7 दिन वो कॉन्सेंट्रेशन करते रहे, उस विचार पर एकाग्रता से चिंतन करते रहे। पहले जो हफ्ते में एकांतवास में रहने की वजह से उन्होंने सरलता से जो विचार थे उस कारणों का शोध करके उन्होंने कारण को हटा दिए, क्योंकि उनको एकांतवास मिला था। और उसके बाद में जो आवश्यक विचार है उस आवश्यक विचार पर उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन किया। इसका मतलब जो है हम उसको इस तरह से देखते हैं कि जैसे हमारे पास 10 विषय हैं, 10 विषय पर हम एक एक विषय पर हम चिंतन करते गए और उसके विषयों पर गहरा चिंतन करके उस 10 विषय में से हमें इस अभी के स्थिति में जो आवश्यक विचार था, आवश्यक विषय था, जैसे परीक्षा होते तक हम पूरे विषय का अध्ययन करते हैं, परीक्षा होते तक पूरे विषय का हम अध्ययन करते हैं, लेकिन जिस समय जिस विषय की परीक्षा होती है, जिस दिन जिस विषय की परीक्षा होती है, हम सब विषय को छोड़ के जिस विषय की परीक्षा होती है उसी विषय पर हम कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। उसी प्रकार अनेक विचारों का परीक्षण करके सिद्धार्थ गौतम ने दूसरे हफ्ते में एक विचार पर जो आवश्यक अति आवश्यक विचार था उस विचार पर उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन किया, तो उतने इतने गहराई से चिंतन किया उस विषय का कि एक हफ्ता भर उन्होंने उस विषय पर गहराई से चिंतन किया। फिर तीसरे हफ्ते में जो गहराई से चिंतन किया हुआ जो उनका विचार था, जो आवश्यक था, जो महत्वपूर्ण विषय था, उस विषय को विचलित नहीं होने देने के लिए, उस विषय को विचलित नहीं होना चाहिए, उस विषय को एक शोर के तरफ नहीं जाना चाहिए, इस विषय को मध्यम में स्थिर रखने के लिए उस विषय के बारे में उन्होंने अपने चित्त में समभावना निर्माण की। समभाव यानी समानता का भाव, उस विषय में विषमता का भाव खत्म किया और समानता का भाव उस विषय को जोड़ दिया। यानी जो विषय था वो विषय कैसा हो गया, अभी समभाव का विषय हो गया, क्योंकि उसमें समभाव जोड़ दिया। दूसरी बात, उसमें जो समचेतना यानी जो माइंडफुल होती है, जो सतर्कता होती है, वो समचेतना उसको जोड़ दिए, तो वो विषय इतना मजबूत हो गया कि उस विषय में समभाव भी जुड़ गया और सचेतना चेतना यानी जागृति जागृत हो गए वो, यानी माइंडफुलनेस वो भी जोड़ दिया उसको, उस विषय को मजबूत किया, उस विषय को शुद्ध किया, पवित्र किया, उस विषय को और निखारा उसने। यानी उसमें जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी वो उन्होंने निकाल करके अच्छी विषय को मजबूत बनाने के लिए एक एक विषय एक एक बात उस विषय को जोड़ते गए। तो उस जो विषय था, जो विचार था, उस विचार को उन्होंने तीसरे हफ्ते में जो समभाव को जोड़ दिया और जो चित्त जो सचेतन भाव जो होता है सचेतन भाव को जोड़ दिया। इस तरह से फिर 7 दिन इसी प्रकार उन्होंने चिंतन किया, इस विचार पर चिंतन किया और चौथे हफ्ते में अंत में उन्होंने समभाव और सचेतना तो पहले ही जुड़ी हुई थी, समभाव और सचेतना पहले ही जुड़ी हुई थी, उस विचार पर उसका प्रभाव पहले
हुआ था, वो प्रभावित हुआ था उस वो विचार, फिर से उन्होंने जो चौथे हफ्ते में निर्मलता और समभाव में समचित्तता और सचेतन में शामिल कर दिया, तो उन्होंने निर्मलता का भाव उसमें और जोड़ दिया। निर्मलता का भाव और समचित्तता यानी जो चित्त की समानता है, उस समानते को उन्होंने इक्विमिनिटी को जो उन्होंने जागृति के साथ में जोड़ दिया। इसी तरह से निर्मलता को समभाव में तथा समचित्तता को सचेतन में शामिल किया। इस तरह से उस विषय को उस विचार को उन्होंने कितना यानी मजबूत किया, कितना पवित्रता जोड़ दी उसमें, समभाव जोड़ दिया, समचित्तता सचेतना जोड़ दी और समचित्तता जोड़ दिए, यानी वो जो विचार है वो विचार को जैसे एकाधे चीज को हम सुंदर बनाने के लिए या एकाधे चीज को हम मजबूत बनाने के लिए जिस तरह से उसको चारों तरफ से उसको मजबूत बनाते हैं, चाहे उसमें छोटी सी भी कोई गलती न हो, त्रुटि न हो, उसी प्रकार बुद्ध सिद्धार्थ गौतम ने अपने विचार को जो विचार उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन किया था, जिस विचार पर उन्होंने एकाग्र किया था, उन विचारों में उन्होंने चारों बातें जोड़ दी, शामिल की उस विचार पर ये चारों बातों का प्रभाव की कर दिया। इस प्रकार उन्होंने सारा ध्यान समस्या का समाधान पर केंद्रित किया। उनका जो पूरा जो ध्यान था, उनकी जो विचारों में जो एकाग्रता निर्माण की, वो विचार था कि उनके मन में जो समस्याएं थी, काफ़ी समस्या आदमी के पीछे रहती है लेकिन सभी समस्या एक साथ दूर नहीं होती, तो एक समस्या जो बड़ी समस्या होती है उसको हम अगर चिंतन करके उसको बड़े गहराई से सोच करके इस तरह से हम उसके तरफ ध्यान केंद्रित करके उस विषय पर गहराई से अध्ययन करें तो उस विषय के बारे में हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो उसी प्रकार सिद्धार्थ गौतम के अचित्त में था, पहली समस्या थी कि संसार में दुख है, ये पहली समस्या थी कि संसार जो दिखता है लेकिन संसार में दुख है और निराशा जो है, संसार में हर आदमी दुखी होता है, हर आदमी के पीछे कोई न कोई दुख होता है, कोई न कोई समस्या होती है और कोई न कोई निराशा होती है। तो सिद्धार्थ गौतम के चित्त में ये सवाल था, ये प्रश्न था कि निराशा और दुख के कौन से कारण हैं, यानी दुख और निराशा समस्या तो रहती है लेकिन बहुत से लोगों को उनको उनके कारणों का पता नहीं लगता है। यहाँ पे समस्या जो है, समस्या तो सभी को होती है, सभी लोग समस्या का अनुभव लेते हैं लेकिन वो समस्या के कारणों का बहुत से लोगों को पता नहीं चलता कि कौन से कारण है जिस कारण से ये समस्या पैदा हो गई। तो इसी प्रकार उन्होंने जो उनके विचार थे, उनका जो मन में प्रश्न था कि कौन से कारण हैं जो निराशा और दुख पैदा करते हैं, उन्होंने अपना लक्ष्य केंद्रित किया और जिन्हें व्यक्ति भुगता है, ऐसे कौन से कारण हैं जिन्हें दुख और निराशा आदमी भुगता है,
उस कारणों पर उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन किया और कॉन्सेंट्रेशन करने की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया आपने देखे कि चार हफ्ते में उन्होंने किस तरह से उसके ऊपर लक्ष्य केंद्रित किया, किस तरह से उसको समभाव में निर्माण किया, किस तरह से उस प्रश्न को समचित्ता में लाया, चित्त में लाया, इस प्रकार उन्होंने उसका हल खोज के निकाला। दूसरी समस्या थी कि किस प्रकार इस दुख को का अंत करके जो भी समस्याएं होती है, जो भी दुख होता है, उस दुख का अंत करके मानव जाति को सुखी बनाया जाए, ये प्रश्न था उनके मन में। और वो प्रश्न का समाधान निकालने के लिए उन्होंने इतने साल जो प्रयास किया और अंत में उन्होंने इतना जो संकल्प किया कि ये जो मेरे प्रश्न है मेरे मन में, उसका जवाब मुझे अवश्य मिलना चाहिए, उसका मैं अवश्य पता लगाऊंगा कि निराशा और दुख के कारण कौन से हैं और दुख अंत करने का अंत करके आदमी को सुखी कैसा बनाया जाता है, वो कौन सा मार्ग है। ये जो चीज़ थी उसी चीज़ पर, उसी बातों पर सिद्धार्थ गौतम ने केंद्रित अपने ध्यान को पूरी तरह से केंद्रित किया। इस विचार पर उन्होंने पूरी तरह से लक्ष्य ज्ञान केंद्रित किया। तो इन्हें हम दो प्रश्नों का सही उत्तर मिल गया। जब इन दो प्रश्नों का जो उनमें प्रश्न थे, उन दो प्रश्नों का उनको जब सही जवाब मिल गया, तब उन्होंने कहा कि अब मुझे सम्बुद्धि प्राप्त हो गई। कब कहा? कि जब उनको जो उनके मन में सवाल थे, कौन से सवाल थे? दो सवाल थे। एक सवाल था कि निराशा और दुख के कौन से हैं जो आदमी व्यक्ति परेशान होता है, उसको भोगता है। और दूसरा प्रश्न था कि किस प्रकार दुख का अंत किया जाए और मानव जाति को सुखी किया जाए, वो क्या है, किस कौन सा मार्ग है, किस प्रकार हम दुख का अंत कर सकते। ये महत्वपूर्ण जो सवाल थे, उस सवाल पर उन्होंने गहराई से चिंतन किया। इसको हम समझने की बात है और हम उसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। हम चिंतन कभी भी कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। जैसे आपको एक घंटा मिलता है तो घर में आप आधा घंटा भी आपको मिलता है तो उसके ऊपर आप चिंतन कर सकते हो, घर में भी चिंतन कर सकते हो। जब भी आपको एकांतवास मिलता है, शांतता होती है, उस समय आप चिंतन कर सकते हो। तो चिंतन करते समय हमें क्या करना चाहिए कि हमारे चित्त में जो भी सवाल होता है, जो भी प्रश्न होता है, उसके ऊपर हमें उसके सॉल्यूशन के ऊपर चिंतन करना है। उसका मार्ग क्या है, उसका निराकरण कैसा किया जाए, उसके ऊपर हमें चिंतन करना है। सिद्धार्थ गौतम ने के मन में ये प्रश्न थे, लेकिन उन्होंने उनका सारा चिंतन किस में था कि उसके सॉल्यूशन क्या है, उसका समाधान क्या है। प्रश्न तो हमारे मन में हमेशा होते, लेकिन हमको ढूंढना है उसका समाधान ढूंढना है। तो जब हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जो बच्चा हमारा प्रश्न निर्माण करके, पहले प्रश्न निर्माण करके उसके जवाब को ढूंढने का प्रयास करता है,
तो वो लड़का काफ़ी सफल हो जाता है, काफ़ी सफल होता है। हमारे महामानवों ने, जितने भी हमारे महामानव हैं, उनका आप देखिए दिनचर्या, देखिए उनका व्यक्तिमत्व, देखिए कि समाज के जो भी प्रश्न थे, समाज की जो भी कुरीतियाँ थी, जो भी समाज में पीड़ा देने वाले जो विचार थे, जो कार्य थे, उसका सॉल्यूशन उन्होंने निकाला। वो प्रश्न ऐसे नहीं रखे जैसे सावित्रीबाई फुले ने, बच्चे अज्ञानी रहते थे, अज्ञानी रहने से उनके ऊपर काफ़ी हानि होती थी, उनको काफ़ी परेशान हो जाते थे, अज्ञान के वजह से उनका शोषण होता था। तो उन्होंने अज्ञान को दूर करने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए उन्होंने चिंतन करके उनको शिक्षा का केंद्र उन्होंने शुरू किया, शिक्षा के प्रवेश द्वार सावित्रीबाई फुले ने खुले कर दिए, दरवाजे खुले कर दिए। ज्योतिबा फुले ने भी उनको काफ़ी सहायता किया इस काम में। तथागत बुद्ध ने भी देखिए कि जो विद्या सबको नहीं मिलती थी, सबको विद्या नहीं मिलती थी उस समय, वो समस्या थी, अज्ञान के वजह से आदमी दुख भोगता था, लेकिन उस दुख के कारण उसको पता नहीं रहते थे, पता नहीं चलते थे किस कारण से आदमी दुख भोग रहा है, तो उसका पता नहीं चलता था। दुख कैसा अंत किया जाए दुख का, इस बारे में किसी को पता नहीं था, क्योंकि उनके सामने जो अविद्या थी, अज्ञान था। तो सिद्धार्थ गौतम ने अपने ज़माने में जिन लोगों को अध्ययन का मनाई थी, अध्ययन कर नहीं सकते, बंदी थी, उन लोगों को ज्ञान के दरवाजे उन्होंने खुले किए, और ओपन यूनिवर्सिटी जैसे खुले तौर पे उन्होंने लोगों को अज्ञान दूर करके उनको ज्ञानी बनाने का प्रयास किया। वो जो जवाब थे, जिसका निराकरण करने के लिए हमारे महामानवों ने प्रयास किया, जैसे कि बाबा साहब के ज़माने में जो समस्या थी, उनके सामने तो काफ़ी समस्या थी। एक तो बाबा साहब का जन्म एक ऐसे जाति में हुआ जो जाति को लोग नज़दीक नहीं आने देते थे, उनका तिरस्कार करते थे, ऐसे जाति में बाबा साहब का जन्म हुआ, और उन्होंने जो सारी समस्याएं थी जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर जो भी समस्याएं भारत के अंदर थी, उस सभी समस्या का उन्होंने निवारण के लिए प्रयास किया। समस्या का निवारण कैसा हो, उसके लिए उन्होंने ये किया, उनके लिए बड़ा कार्य किया, प्रयास किया, परिश्रम करके उन्होंने हमें सॉल्यूशन दिया, हमें ज्ञान के दरवाजे ओपन किए, संविधान से हमें अधिकार दिया, और हमारे लिए काफ़ी बाबा साहब ने काफ़ी हमको दिया, जो हमने सोचे भी नहीं थे उतना बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया। क्या दिया कि हमारे जो प्रश्न थे उस प्रश्न का सॉल्यूशन उन्होंने दिया, प्रश्न वैसे नहीं रखा। जातिगत प्रश्न थे, वर्ण के प्रश्न थे, गरीबी के प्रश्न थे, छुआछूत के प्रश्न थे, काफ़ी प्रश्न बाबा साहब के सामने थे। मैं तो कहता हूँ कि किसी महामानव के सामने इतने प्रश्न नहीं रहे होंगे, उतनी समस्याएँ बाबा साहब के सामने समाज के प्रति थी। देश के लिए उन्होंने संविधान का भी निर्माण किया, उसको सॉल्यूशन दिया कि कैसा देश चलाया जाता है, उसका सॉल्यूशन संविधान के रूप में बाबा साहब ने दिया। इस बाबा साहब ने हर चीज़ का सॉल्यूशन दिया, निवारण किया। तो हमें ये बात सीखना चाहिए कि सिद्धार्थ गौतम ने जो ज्ञान प्राप्त किया, अपने स्वयं के प्रयास से ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, इसका मतलब जो है
जो सवाल थे, सवाल के जवाब उन्होंने ढूंढ के निकाला। जो दुख मुक्ति का मार्ग उन्होंने हमें दिया, ताकि पूरी मानव जाति सुखी बने, पूरी मानव जाति सुख और समाधान प्राप्त करे। ऐसा उन्होंने सोल्यूशन दिया, ऐसा उन्होंने मार्ग दिया। तो हम लोग भी इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि किसी को बुखार है, हमें बुखार पे ध्यान केंद्रित न करते हुए बुखार के ऊपर सोल्यूशन देखना चाहिए कि ये बुखार किस तरह का है, कौन से टाइप का है, मलेरिया है, टाइफाइड है, क्यों बुखार आ रहा है, उसके कारण क्या है, और उस कारण को सोल्यूशन, वो बुखार नष्ट हो, वो समस्या नष्ट हो, इस प्रकार हमें कार्य करना है। तो इस संबोधि प्राप्त, जो सिद्धार्थ गौतम ने संबोधि प्राप्त की, संबोधि प्राप्त करने से सिद्धार्थ गौतम ये बुद्ध बन गए। बुद्ध क्यों बने कि उन्होंने समस्या का निवारण किया और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त किसकी, कि जो भी समस्याएं थी उनके निवारण का उन्होंने मार्ग जो था उसका आविष्कार किया, इसलिए सिद्धार्थ गौतम ये बुद्ध बन गए। और जिस बोधि वृक्ष, जो पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ, उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष नाम दिया गया। तो हम इससे काफ़ी सीखने की आवश्यकता है, उसको प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता है। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, बच्चे पढ़ाई करने के बाद 3 घंटे पढ़ाई करने के बाद में उसने किताब बंद कर देना चाहिए, और जो भी सवाल थे उस सवाल के जवाब को उन्होंने दूसरे कॉपी में लिखने का प्रयास करना चाहिए। तो किसने कितने जवाब उनके सही आते हैं उसको देखकर उस उन्होंने किस तरह से पढ़ाई हो गई उसकी, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। नहीं, हम सिर्फ पढ़ाई करते गए तो उसका अनुमान हमें नहीं लगता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो विषय लेते थे, उनके टेबल पे इकोनॉमिक्स का विषय होता था, उस विषय पर गहराई से इतना चिंतन करते थे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, तो उसको उस विषय के जो भी प्रश्न थे उसके उत्तर, उसके सॉल्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर अपने नोट्स में अलग से लिखते थे। इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने जो तथागत बुद्ध जैसा ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, हम भी उसी मार्ग पर चल के अपने जीवन में जो समस्याएं है उसका निराकरण कर सकते हैं। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।